अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी अपडेट देता करूँ कि यार उस टाइम पे मैं बहुत पैनिक था और मेरे घर वाले भी बहुत पैनिक हो गए थे, क्योंकि भैया बहुत तेज भागता हुआ आया था, उसने जो जो सिचुएशन बताई थी तो उसको सब कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज लगा दी थी, तो मैंने डिलीट कर दी है फिर वो स्टोरीज, लेकिन वो चल रही हैं आगे पीछे। और अच्छी चीज़ है कि यार लोग अवेयर है, लेकिन मैं छोटे से एक बात करना चाहता हूँ कि यार अगर जो कोई देख रहा है, अगर जिसने जो चोरी करता है या करने का सोच रहा है, देखो एक चीज़ है यार, देखो बहुत मजबूरी है दोस्तों। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तान के नंबर वन ब्लॉगर मास सफदर, जिनके साथ परसों एक बहुत ही दुखी हादसा पेश आया है कि भाई उनके जो भाई हैं शाह सफदर वर्ल्ड, वो गए थे अपना पासपोर्ट लेकर अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाने के लिए, तो उन्हें वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो वहाँ पर बैठना पड़ गया उनको, तो तकरीबन उनको 3 से 4 घंटे लग गए वहाँ पर। वहाँ से वो अपना काम करवा के वापस आ ही रहे थे, और जैसे ही वो मतलब यूँ कह सकते हैं आप मनी एक्सचेंज का जो सेंटर है ना, वहीं से कुछ दो बाइक वाले जो थे ना, 4 बंदे थे वो और 2 बाइकें थी, वो लोग वहीं से जो है ना नज़र में रखे हुए थे इनको कि भाई ये किस वक्त यहाँ से निकलेंगे, ये करेंसी एक्सचेंज करवाने आए हैं तो हम इनको रास्ते में इनको लूट लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, वो रास्ते में उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका, तो वो फिर भी उनका पीछा करते रहे, और एंड ये हुआ कि जब उनकी गली के बिल्कुल कोने पर वो पहुँच गए ना, तो फिर वो जैसे ही वो शाह सफदर ने अपने घर के आगे गाड़ी रोकी है और गाड़ी कार का दरवाज़ा खोला, तो वो बंदा जो है ना ऐसी बाइक से स्लिप हुआ है, और स्लिप होकर जो है ना शाह सफदर के पाँव में जाके बाइक लगी है और वो गिर गया है। लेकिन गिरने के बाद भी आप उसकी हिम्मत देखोगे, वो फिर से उठा है और उठने के बाद गाली है और निकाल कर उसने जो है वो शाह सफदर पर रख दी और कहा कि जो कुछ भी है वो दे दो। तो उसके साथ दो बाइकें थी, 4 लोग थे वो, 1 to 5 थी, तो उन्होंने जो है शाह सफदर से मोबाइल, पैसे और जो जो सामान था वो सारा ले लिया। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है ना, वो ये है कि भाई उन्होंने पासपोर्ट भी ले लिया शाह सफदर का, जो कि यार मैं ये समझता हूँ कि ये मतलब उनमें इंसानियत ही नहीं है। आज मास सफदर का ब्लॉग हर कोई देखता है, सबको पता है कि वो पूरी फैमिली जो है उम्रे की सआदत हासिल करने जा रही थी और बड़े ही खुशी के साथ जा रहे थे, और उनकी फैमिली बहुत हैप्पी थी और उन्होंने अच्छे से चीज़ें खरीदी हैं, यहाँ से अहराम लेकर आए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, मेहमानों की दावत की है घर में, बाहर से खाना किया, मतलब इतनी खुशी हुई है। हालांकि मैं सिर्फ उनका एक सब्सक्राइबर कह सकते हो आप, उनका सब्सक्राइबर हूँ या फिर मैं उनको स्टार्टिंग से फॉलो करता आ रहा हूँ, जब से उनके जो है 5 लाख सब्सक्राइबर थे तब से मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ, तो मैं उनका कोई भी व्लॉग मिस नहीं करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है और कोई उनके बारे में कुछ भी बोले बट मैं उनको जो है ना बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ, और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनकी फैमिली का जैसे मैं भी एक उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ ना, मुझे भी ऐसा फील होता है व्लॉग देखकर, मतलब मैं एक इमेजिन करता हूँ, तो यार बड़ा दुख होता है जब मुझे इस चीज़ को लेकर दुख हो रहा है, तो सोचो आप उनको कितना दुख हुआ होगा यार। और जो लेके जाने वाले उनके तो वो किसी काम का नहीं था ना पासपोर्ट, तो वो तो उनको चाहिए था कि वो वापस भिजवा दें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से जो है परसों रात को मास सफदर को अपनी फैमिली को अकेले ही जाना पड़ा, इनको अकेला छोड़कर, वो पूरी फैमिली थी और ये अकेले थे, इनको छोड़कर ही जाना पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं, पासपोर्ट नहीं होता तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, तो भाई पासपोर्ट के बगैर तो वो जा ही नहीं सकते थे, तो इसलिए उनको जो है ना यहाँ पर रुकना पड़ गया। अब कहने को ये कह सकते हैं कि इसमें अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होगी, कोई अच्छाई होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जिन्होंने किया है ना, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए यार, आप कर किसके साथ रहे हो यार, कम से कम ये तो देखो, आपको पैसा चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए था, आपको मिल गया ना, आप उनका पासपोर्ट तो ना लेते ना यार, आप उनका पासपोर्ट तो ले वापस देते, अगर आपने ले भी लिया था तो आप बाद में उस एड्रेस पर भिजवा देते, कुरियर के ज़रिए भिजवा देते या किसी के भी ज़रिए भिजवा देते, लेकिन भिजवाना चाहिए था आपको। अब हुआ ये कि वो उम्रे की वजह से जो है यहाँ पर पासपोर्ट की वजह से उम्रा करने नहीं जा सके, यहीं पर ही रह गए, तो पासपोर्ट का तो कुछ नहीं है यार, वो दोबारा से बनवा लेंगे,
दस दिन में आ जाएगा। हो सकता है कि वो अपनी इस फैमिली को जो है इस उम्रे की जो ट्रिप है इसमें ज्वाइन कर लें। लेकिन फिर भी यार एक साथ जाने का एक अपना ही मज़ा होता है, एक अपनी ही खुशी होती है। मगर क्या ही कह सकते हैं यार, मतलब इंसानियत जो है ना आज मुझे लगता है कि ख़त्म हो गई है लोगों के अंदर से। मतलब हो क्या रहा है यार, ये दिन दिहाड़े यार, मतलब आप कोई भी आता है लूट कर चला जाता है यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। अपनी मेहनत करो, अपना काम धंधा करो, ऐसे थोड़ी यार। एक बंदा ब्लॉग बना रहा है, वो अपनी फैमिली को दिखा रहा है, अपनी हर प्राइवेसी को शो करवा रहा है कि जो छोटी से छोटी चीज़ भी वो ख़रीदने जाता है तो वो अपने ब्लॉग में दिखाता है, सिर्फ फैमिली समझ कर दिखाता है ना। तो हमें भी ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि यार आप उनको भी लूटने लग जाओ यार। मतलब क्या होगा यार, एक यूट्यूबर जो है वो ये बनाना ही छोड़ दे क्या ब्लॉग यार, ऐसा नहीं होता यार। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे इस, अगर मेरी ये वीडियो माज सफदर तक पहुँचती है और माज सफदर देख रहा है, तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि भाई मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा अफसोस है। जब मैंने परसों रात को आपकी स्टोरी देखी है इंस्टाग्राम पर, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ है और बहुत मुझे मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था यार। मतलब एक अपनापन सा लगता है यार, ब्लॉग देख देख कर ऐसा लगता है कि भाई ये मैं भी इसी फैमिली का ही एक हिस्सा हूँ। तो बहरहाल अब जो हो गया उसे क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करो यार। अगर जिन्होंने चोरी की है वो भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार ऐसा नहीं करो। क्या मिलता है ऐसा करके आपको, होना कुछ भी नहीं है। एक दिन आप फंस जाओगे और लंबे चक्कर में अंदर चले जाओगे। तो भाई अपनी मेहनत करो यार, वो बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको तो कम से कम मेहनत करने दो ना। चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और चलो मिलते हैं फिर किसी और अच्छे कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you.